अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं टेनिस के बारे में। मैंने आपको बताया था ये तीन होते हैं। आज हमने जो पहला लिया था प्रेजेंट टेनिस, इसके मैंने बताया था चार पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट सिंपल, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेनिस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेनिस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेनिस, और आज हमें इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेनिस। आज हमें इसी चीज़ को डिस्कस करना है थोड़ा सा। तो क्या होता है कि इसमें वो काम हम दिखाते हैं जो आधा कंप्लीट किया गया हो और अभी चल रहा हो, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी आधा काम हो चुका है, प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, आधा काम जो है वो हो चुका है और आधा काम अभी चल रहा है, अभी वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आधा कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो इसकी होती है वो इस तरह होती है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज और हैव, दो में से एक, प्लस होता है बीन, BEEN बीन, प्लस होता है वर्ब और वर्ब के साथ होता है ing, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing, और इसके साथ एक और चीज होती है दैट्स कॉल्ड सिंस या फॉर, दो में से एक, आइदर पॉइंट ऑफ टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे होता है, क्योंकि ये काम जो होता है ये आधा कंप्लीट हुआ होता है और आधा अभी चल रहा होता है, तो हमें दिखाना होता है कब से एक पॉइंट ऑफ टाइम या एक पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके पीछे, यानी कब से काम चल रहा है, आधा हो चुका है और आधा अभी चल रहा है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल हमने सब्जेक्ट आई लिया, आई यानी खुद ही आई, अब इसमें से मैंने कल आपको बताया था हैज नहीं लगेगा, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव हैज नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैंने कल आपको बताया था दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, किसके साथ कौन सा लगेगा, आई हैव, फिर प्लस बीन लगाना है, आई हैव बीन, फिर वर्ब प्लस इंग, फॉर एग्जाम्पल वेट एक वर्ब है, इसका बनेगा वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, I have been waiting. फिर मैंने कहा इसके पीछे since या for, either a point of time और a period of time यहाँ पे लगता है, या तो एक point of time लगेगा या तो एक period of time. अगर point of time होगा confirm पता होगा कब से है तो since लगता है, अगर एक period होगा यानी गोलमोल में होगा पूरा पता नहीं कितना time हो गया तब for लगता है। जैसा I have been waiting, I have been waiting for the bus. For two hours. देखिए subject plus has or have, दो में से एक, plus been plus verb plus ing, फिर object है for the bus, फिर point period of time है for 2 hours, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ 2 घंटे से। ये जरूरी नहीं है कि ये 2 घंटे सिर्फ 2 घंटे बराबर हो, 60 120 मिनट होंगे, ना, ये हो सकता है 2 घंटे कम भी हो 2 घंटे ज्यादा भी हो, लेकिन हम इसको नटशल में कहते हैं, गोलमोल में कहते हैं कि ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे कम भी हो सकते हैं 2 घंटे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स, I have been, subject plus have plus been plus verb plus in, और फिर object क्या लगाएंगे हम लोग, और फिर इसके बाद लगता है point of time और period of time। देखिए अब अगर मैं ऐसा लिखूंगा इसी सेंटेंस को, I have been waiting for you since 8 AM, आप देखिए I have been waiting for you since 8 AM, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कब से, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, since कब से, 8 बजे से।
अब आपको ये बात जहन में आई होगी कि फॉर होता है जब हमें पूरा पता नहीं है कि कितना टाइम है, लेकिन सिंस होता है जब हमें कन्फर्म पता है कि कब से है, यानी कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, कल से है, परसों से है, अभी से है, टाइम दिया गया है, फिक्स टाइम। और यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं होता है, इसमें गोलमोल सा होता है, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। अब अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, आई हैव Not been waiting। ये not कहां पे लगेगा, have और been के बीच में लगेगा। I have not been waiting for the bus for 2 hours। यानी मैं 2 घंटे से बस का इंतजार नहीं कर रहा हूं, for 2 hours। अब अगर इसी को हम लोग negative बनाएंगे, interrogative बनाएंगे, Have I been waiting for the bus for 2 hours? For 2 hours। बात समझ आ गई आपको? ये मसला क्या है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है प्लस हैज और हैव होता है प्लस बीन होता है प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस सिंस या फॉर, दो में से एक होता है। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे द टीचर, आप इनमें से एक लगा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने कल आपको बताया था, पिछले लेसन में बताया था आपको मैंने कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज लगता है। द टीचर हैज बीन टीचिंग, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी उस्ताद पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा है। आधा घंटा 30 मिनट भी हो सकता है इसका कंप्लीट, ये 28 मिनट ही हो सकते हैं, 25 ये हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, गोल मोल में हम उसको कहते हैं आधे घंटे से पढ़ा रहा है। यानी पूरा पता नहीं है, सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट पता नहीं है कब से है। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, द टीचर has not been teaching for half an hour। अब देखिए हम सब्जेक्ट वी लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल लिखेंगे, has और have में से कौन सा आएगा, have आएगा। We have been, we have been dancing, we have been dancing since 9:30 AM, हम 9:30 से डांस कर रहे हैं, since 9:30 AM, confirm point of पता है, point of time पता है हमें कब से कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है इस जो ये टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें हमें सब्जेक्ट होता है, ये हैज और हैव होता है, फिर बीन होता है, फिर वर्ब के साथ इंग होता है, और एक चीज़ ऐड होती है इसके साथ जो हमें ज़रूरी करना होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम देना होता है या एक पीरियड ऑफ टाइम देना होता है, क्योंकि तब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर हम इतना ही लिखेंगे द टीचर हैज बीन टीचिंग, टीचर पढ़ाए जा रहा है, कब से, आगे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए इसको आगे या तो एक पॉइंट ऑफ टाइम देना है कब से पढ़ा रहा है, या एक पीरियड ऑफ टाइम देना है कब से पढ़ा रहा है। यानी इसके लिए दो चीजें जरूरी है, आइदर ए पॉइंट ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम लोगों को एक बात समझ आ गई, जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट में हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, वहां पे हमने देखा जब सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ वर्ब प्रेजेंट में होता है, इसलिए प्रेजेंट ही कहा जाता है।
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे इंग फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है यानी बी फॉर्म जो होती है वो भी प्रेजेंट में होती है। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, लेकिन उसके साथ हैज़ और हैव जो प्रेजेंट होते हैं वो लगते हैं, तब जाके ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट तो होता ही होता है और इसके साथ हैज़ और हैव दो में से एक लगेगा, फिर वर्ब के साथ फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब के साथ इंग लगेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम या एक पीरियड ऑफ टाइम लगता है इसके साथ। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड।